हेलो इंडिया, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये आप सब लोगों को, यूथ यंगस्टर्स को एक मैसेज देने के लिए बना रहा हूँ कि हर किसी को आज बाहर पढ़ने जाना है। मीन्स अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर, कहीं बाहर जहाँ पे वो अपनी यंगस्टर्स वाली लाइफ एंजॉय कर सकें और अपने माँ बाप से दूर रह सकें, अपने पेरेंट्स से दूर रह सकें और फ्रीडम एंजॉय कर सकें, पार्टीज कर सकें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकें, लिव इन में रह सकें। तो ये जो कल्चर आया है इंडिया में, ये जो वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं और इंडियन कल्चर जो है उसको भूलते जा रहे हैं कि हमें बाहर जाना है पढ़ने और हॉस्टल में रहना है, पीजी में रहना है, फ्लैट्स में रहना है, बाहर घूमना है, एंजॉय करनी है लाइफ को। ठीक है, यहां तक सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आपकी एजुकेशन खत्म हो जाती है, जब आप कैपेबल हो जाते हो जॉब के लिए, जब आप कैपेबल हो कि आप अपने पेरेंट्स को अपने पास रख सकते हो, जब आप कैपेबल हो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हो, तब आप उनको भूल क्यों जाते हो? मतलब वही बात है कि 18 इयर्स की एज तक आपने उनको यूज किया, उसके बाद फिर आपका प्यार कुछ और ही हो गया उनके लिए। आपकी पसंद चेंज हो जाती है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो और गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं, बॉयफ्रेंड बना लेते हो। कुछ लोग तो पेरेंट्स को बिना बताए शादी भी कर लेते हैं, कुछ लोग अपना अलग सेटल हो जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस एज में आप हो और जिस जिस कामयाबी पे आप पहुंचे हो, उनका पहला रीजन तो आपके पेरेंट्स हैं। आपके पेरेंट्स नहीं होते तो आप इस दुनिया में ही नहीं होते। तो जब मैं ये चीजें देखता हूं, मैं भी बाहर पढ़ा हूं, मैंने भी बाहर जॉब करी है, लेकिन सही टाइम पे जब मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत थी, मैं वापस आ गया। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा, मतलब ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको घर में फ्रीडम नहीं मिलती, उनको घर में रोका टोका जाता है और उनको घर में परमिशंस नहीं है कुछ चीजें करने की, घूमने फिरने की या जो भी है। तो इस वजह से वो लोग अपने पेरेंट्स से दूर रहना पसंद करते हैं, दूसरी सिटी में या दूसरी जगह, पीजी फ्लैट्स। तो जब आपके पेरेंट्स को आपकी जरूरत होती है, वो आपके लिए भी मेहनत कर रहे थे जब तक आप बड़े हुए, अभी भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिंदगी भर आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, लेकिन क्या वो कभी बूढ़े नहीं होंगे? 35, 40, 45 ईयर्स के बाद तो ह्यूमन बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। मेहनत करता हुआ इंसान मेहनत करते करते थक जाता है, तब आपके पेरेंट्स को आपकी जरूरत होती है। अगर ये मेरा मैसेज उस एक भी इंसान के पास पहुंचता है जो घर से दूर है और अपने पेरेंट्स से दूर है सिर्फ फ्रीडम के लिए, सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, तो प्लीज इस बात को समझें कि आज आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो आपके पेरेंट्स के वजह से है, उन्होंने ही आपको पैदा किया है, उनके वजह से ही आप इस दुनिया में हैं। और आपको उनका सहारा बनना चाहिए, जो स्पेशली जो सिंगल चाइल्ड हैं, ठीक, जो इकलौते हैं अपने घर के, उनको अपने पेरेंट्स से, प्लीज आप अपने पेरेंट्स से दूर ना रहें। आप जाएं अपने कॉलेज लाइफ एंजॉय करें, 20, 22, 23, 24 तक, फिर आप एक सही एज पे आप अपने घर वापस आ जाएं, अपने पेरेंट्स का सहारा बने, अपनी सिटी में ही, अपने घर में ही रह के आपको जो करना है वो करिए।
बहुत सारे ऑप्शंस हैं दुनिया में, ये तो बहाना है कि हम अपने शहर में रह के कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एवरीवेयर देयर इज अ स्कोप, देयर इज अ होप। आप जाइए, आप एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करिए। क्योंकि क्या होता है, मैंने देखा है कि एक एज आती है उनको आपकी जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन उनका सहारा कोई नहीं होता, और जब आपको जरूरत थी तब वो आपके सहारा बनके आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जो चाहिए वो लाके देते हैं, लेकिन आप बड़े होकर उनको भूल जाते हैं। और पेरेंट्स को आप यूज करेंगे, पेरेंट्स को आप धोखा देंगे। आजकल हर यूथ देख रहा हूं, मोस्टली यूथ लव स्टेटस, सैड स्टेटस डालते रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। क्योंकि क्या होता है कि आपने पेरेंट्स को यूज किया, और कर्मा तो सबका होता है, तो आपने पेरेंट्स को यूज किया तो आप किसी भी रिलेशनशिप में अपने पेरेंट्स को दुखी रख करके सुखी कैसे रह सकते हो, हैप्पी कैसे रह सकते हो आप? तो आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने पेरेंट्स को दें, आप उनका सहारा बने, सही एज में आप घर वापस आ जाए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, अपना जॉब एक्सपीरियंस लेके, अपने शहर में, अपनी सिटी में, अपने घर में रह के उनका सहारा बने। क्योंकि वक्त चला जाता है, फिर हम सोचते हैं कि काश हमने अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताया होता, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा नहीं रहते, हम भी हमेशा नहीं रहेंगे, कोई भी हमेशा नहीं रहेगा इस लाइफ में, इस अर्थ पे कोई भी हमेशा नहीं रहेगा। तो जब वो चले जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है, जब वो हमसे दूर चले जाते हैं पेरेंट्स, तो हमें रियलाइज होता है कि काश थोड़ा और वक्त हमने पेरेंट्स के साथ बिताया होता, अपने माँ बाप के साथ बिताया होता। फिर उनकी मेमोरीज रह जाती हैं, आंसू रह जाते हैं, और कुछ नहीं बचता हमारे पास। तो आप लाइफ को बैलेंस करके चलिए, प्यार करना भी जरूरी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाइए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए, अपना जॉब करिए, अपना एक्सपीरियंस, लेकिन जब आपके पेरेंट्स की आपको जरूरत, जब आपके पेरेंट्स को आपकी जरूरत है, जब वो बोलते हैं कि अब बस घर आ जा, अब यहीं रह के करना जो करना है, हमें तेरी जरूरत है, तो हमारे पास रहे। कुछ पेरेंट्स नहीं बोल पाते हैं, पर आपको उनको समझना चाहिए कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, इसमें आप अपने पेरेंट्स के बिना बहुत अकेले हैं, और आपके पेरेंट्स आपके बिना बहुत अकेले हैं। उनको आपकी हर समय फिक्र रहती है, चाहे वो दिखाएं आपको या ना दिखाएं। तो आप सही एज में अपने घर आ जाइए, उनके साथ रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ताकि आपको कभी ये चीज रिग्रेट ना हो कि जब वो दुनिया से चले जाए। इट्स अ बिटर ट्रूथ कि हर कोई जो आया है वो जाएगा, तो जब वो दुनिया से चले जाए तब आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने उनके साथ लाइफ वक्त नहीं बिताया। पैसा जरूरी है दुनिया में, फेम जरूरी है, नेम जरूरी है, फ्रेंड्स जरूरी है, लव जरूरी है, हर चीज जरूरी है, लेकिन पहले, सबसे पहले जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके कारण आप इस दुनिया में हैं, जिन्होंने आपको बनाया, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा मैसेज अगर किसी ऐसे इंसान के पास भी पहुंचता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गया, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ के, या जो भी टेम्पररी चीजें हैं उनको छोड़ के, तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मेरा ये मैसेज अगर उन तक पहुंच गया, और कोई भी मेरे इस मैसेज को सुन के अगर वो बदलता है, देन आई एम सक्सेसफुल। थैंक यू। ये बस एक मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, मैंने फेस की है अपने सामने, रियलाइज किया है उस चीज को, और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय इंडिया।